अब हम डिस्कस करेंगे एंगल्स एंड साइड्स का रिलेशन. फॉर दिस लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल. कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं विद एनी मेजरमेंट. फॉर कन्वीनियंट मैं इसको 90 डिग्री लूँगी, इसको 60 डिग्री एंड इसको 30 डिग्री. किसी भी एक ट्राइंगल में स्मॉल एंगल के ऑपोजिट साइड शॉर्ट होती है एंड लार्ज एंगल के ऑपोजिट साइड लार्ज होती है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं लॉन्गर होती हैं. राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये तो लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है, लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी. बट कोई भी किसी भी ट्राइंगल में अगर हम दो एंगल्स को कंसीडर करें तो उसमें से स्मॉल एंगल के ऑपोजिट साइड शॉर्टर होगी एज कंपेयर टू साइड ऑपोजिट टू लार्ज एंगल. मान लो यहाँ पर कोई भी और ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ पर लेट्स दिस इज एंगल 75 एंड दिस इज 70. तो यहाँ पर 70 के ऑपोजिट ये स्मॉल होगी एंड 75 के ऑपोजिट ये लॉन्ग होगी, ठीक है. तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर एंड साइड ऑपोजिट टू स्मॉल एंगल इज शॉर्टर. सिमिलरली एंगल्स के बारे में भी हम बोल सकते हैं. मान लो एक ट्राइंगल है, इसमें ये साइड शॉर्ट है एज कंपेयर टू दिस साइड, ये लॉन्गर है. तो लॉन्गर साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होगा, लार्ज. एंड शॉर्ट साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होगा, स्मॉल. तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ऑपोजिट टू शॉर्टर साइड ऑफ ट्राइंगल इज स्मॉल एंड एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ऑफ ट्राइंगल इज लार्जर. ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल में भी एंगल्स एंड साइड्स के बीच में रिलेशन होता है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वजह से एस्टैब्लिश होता है. वैसे ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का है बट ट्राइंगल से रिलेटेड है तो इसमें बेसिक सा हम डिस्कस करेंगे. एक राइट एंगल ट्राइंगल में मान लो ये कोई भी एंगल है, लेट्स से एंगल थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास क्या होती हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा. ये पी परपेंडिकुलर होता है एच हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस. इन रेशियोज को हम यूज करके एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड की हेल्प एंड एक एंगल की हेल्प से दूसरी साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर ये एंगल थीटा मैंने कंसीडर किया है. अगर हम ये फर्स्ट रेशियो को लें तो ये क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कोई भी हमें गिवन होगी, ठीक है, कोई भी एंगल जिसकी मेजरमेंट हमें पता होगी उसको यहाँ पर पुट करेंगे. परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ये जो एंगल होता है इसके ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है एंड इसके एडजेसेंट साइड बेस होती है एंड 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पर अगर हमारे पास परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज में से किसी भी एक साइड की वैल्यू गिवन है देन वी कैन कैलकुलेट मेजरमेंट ऑफ अदर साइड. फॉर एग्जाम्पल मान लो एंगल 30 डिग्री है एंड इन दोनों में से सपोज हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर गिवन है तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 10. इसकी वैल्यू 1/2 होती है. ये सब आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है. यहाँ पर जस्ट मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि कैसे हम एक साइड और एक एंगल की हेल्प से दूसरी साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं.
ये टेन डिवाइड का है, दूसरी साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू पी, टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन, तो यहाँ से पी दैट इज़ परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हाइपोटिनुस गिवन है एंड हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ये वाली रेशो यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस एंड हाइपोटिनुस की रेशो है। हाइपोटिनुस की वैल्यू भरेंगे, बेस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कोस 30, कोस 30 स्क्वेयर रूट 3/2 होता है। सिमिलरली यहाँ पर टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब अगर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर में से किसी एक की मेजरमेंट गिवन है और दूसरे की कैलकुलेट करनी है, देन हम ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे। इस वीडियो में इस टॉपिक पर इतना ही।